Hey marshmallows, मैं आपकी लवर गर्ल आज आपके लिए लेकर आई हूँ एक शानदार रोमांटिक कोरियन ड्रामा को जिसका नाम है हैप्पी मैरी एंडिंग। दोस्तों, इस कोरियन ड्रामा के अंदर हमें दो ऐसे लड़के को दिखाया जाता है जो जाने अनजाने में एक दूसरे से मिलते हैं और फिर उसके बाद इन दोनों के बीच कुछ ऐसा होता है जिसको देखकर आप शर्मा जाएंगे। दोस्तों, मैं आपको इस ड्रामा के सफर पर और आगे ले जाऊं उससे पहले मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज आप जल्दी से मेरे यानी लवर गर्ल के इस प्यारे से चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि आगे आने वाली सभी कोरियन ड्रामा और मूवीज के एक्सप्लेनेशन को कभी मिस ना कर सके। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। दोस्तों, जैसे ही इस ड्रामा की शुरुआत होती है ठीक वैसे ही हमें इसके मेन कैरेक्टर शिंजो को दिखाया जाता है जो वहाँ अपने फ्रेंड ह्यून का वेट कर रहा था और तभी हम देखते हैं वहाँ ह्यून भी भागते हुए आ रहा है। दोस्तों, ह्यून को अपने पास आते देख शिंजो उससे कहता है कि क्या तुम्हें पता है हम पहली बार बिल्कुल इसी तरह एक दूसरे से मिले थे। इसके इतना कहते ही ये सीन यही कट होता है और इसके अगले सीन में हम शिंजो के घर में उसे और वोन को एक साथ सोते हुए देखते हैं और इसी बीच वोन नींद में अपनी एक लात को शिंजो की बॉडी पर रख देता है मगर उसकी हरकत से शिंजो की नींद टूट जाती है जिसके बाद वोन उसे गुड मॉर्निंग कहता है लेकिन शिंजो उसे आधी नींद में ही कहता है कि तुम आखिर मेरे बेड में क्या कर रहे हो, जाओ जाकर अपने रूम में सो जाओ। शिंजो के इतना कहने के बाद वन उसे बताता है कि तुम खुद तो कभी अच्छे से सोते नहीं हो इसलिए मैं ऊपर से यहाँ तुम्हारे पास आ गया ताकि तुम अच्छे से सो सको। दोस्तों, ये दोनों अभी बातें कर ही रहे थे कि तभी शिंजो के फोन पर एक मैसेज आता है जिसको पढ़ने के बाद वो तुरंत समझ जाता है कि वो काफी ज्यादा लेट हो गया है। आगे हम देखते हैं कि एक लड़की जो शादी के ड्रेस में है उससे उसकी फ्रेंड्स ये कह रही है कि तुम आज कितनी खूबसूरत लग रही हो। अपनी फ्रेंड से अपनी तारीफें सुनकर उस ब्राइड से रहा नहीं जाता है और वो कैमरामैन से कहती है कि मेरे साथ इन सभी की भी पिक्स क्लिक कर दो जिसके बाद हम इन सभी को एक साथ पिक्स क्लिक करवाते हुए देखते हैं। दोस्तों, इस शादी में यूरी और ह्यून भी आए थे और इसी बीच यूरी ह्यून से पूछती है कि क्या उसने कुछ सुना जिसके जवाब में ह्यून उससे कहता है कि मैंने तो कुछ नहीं सुना मगर जो भी है अच्छा हो तो ही ठीक है। तभी यूरी उससे कहती है कि नहीं, ये जो कुछ भी हो रहा है वो अच्छा नहीं है, आखिर इस दुनिया में क्या क्या हो रहा है। आगे हम देखते हैं कि शिंजो अपने ऑफिस जाने के लिए रेडी हो रहा है और वो वोन से पूछ रहा है कि क्या उसने उसके अलार्म की आवाज को नहीं सुना था क्या, जिसके जवाब में वोन उससे कहता है कि अब तो वैसे भी तुम लेट हो चुके हो इसलिए बेहतर यही होगा कि हम दोबारा सो जाएं। पर शिंजो उसके इस बात को मानने से इनकार कर देता है और अपनी सॉक्स ढूंढने में लग जाता है कि तभी वोन उसे बताता है कि उसका सॉक्स टोकरी में रखा हुआ है। शिंजो उसकी इस बात को सुनकर काफी ज्यादा इरिटेट हो जाता है और उसे डांटते हुए कहता है कि आखिर तुम मेरी सॉक्स बार बार क्यों यूज करते हो, तुम्हारे पास खुद के सॉक्स नहीं है क्या। अब शिंजो अपनी जैकेट ढूंढने लगता है और इस बार भी वन ही उसे बताता है कि उसकी जैकेट उसके रूम में है। शिंजो इस बार पहले से भी और ज्यादा गुस्से में वन से कहता है कि आखिर चीजें अपनी अपनी जगह पर क्यों नहीं है। अब शिंजो कैसे भी रेडी होकर जल्दी से अपनी ऑफिस के लिए घर से बाहर निकलता है पर तभी वन उसे रोकते हुए कहता है कि तुम अपने सनग्लासेस तो भूल ही गए। इतना कहने के बाद वो उसे उसका सनग्लासेस दे देता है और कहता है कि अगर मैं तुम्हारे साथ नहीं रहूंगा तो आखिर तुम्हारा ख्याल कौन रखेगा, जिसके जवाब में शिंजो उसे थैंक्स बोलकर वहाँ से चला जाता है। और तभी आगे हम देखते हैं कि शिंजो जल्दबाजी में अपनी मेडिसिन तो ले जाना ही भूल गया। अब नेक्स्ट सीन में हम इस ड्रामा के सेकंड मेन कैरेक्टर ह्यून को एक हॉल में पियानो प्ले करते हुए देखते हैं, जिसके बाद हम ह्यून को देखते हैं जो यूरी से कह रहा था कि वो कोई रिप्लाई नहीं दे रहा है। तब यूरी उससे कहती है कि तो इसमें कौन सी बड़ी बात है, अगर वो चला भी गया है तो इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। दोस्तों, यूरी यहाँ किसी और की नहीं बल्कि शिंजो की ही बात कर रही थी। इसके बाद वही लड़की जिसकी आज शादी थी
वो उन दोनों से पूछती है कि आखिर अब हमारे पास और कितना टाइम बचा है, जिसके जवाब में ये दोनों उससे कहते हैं कि बस 5 मिनट्स और। दोस्तों अगले सीन में हम हुवन को बोट लेकर जाते हुए देखते हैं। दोस्तों यहाँ हुवन खुद को मोटिवेट करते हुए ऑल इज वेल कह रहा था। आगे हम शिंजो को भाग कर लिफ्ट की तरफ आते हुए देखते हैं। आज शिंजो की किस्मत इतनी ज्यादा खराब थी कि उस लिफ्ट का दरवाजा ही नहीं खुल रहा था। इसी वजह से उसे अपना टाइम बचाने के लिए सीढ़ियों से ही ऊपर जाना पड़ता है और ऊपर वेडिंग हॉल के गेट के पास आकर वो अपना सनग्लासेस पहनकर खुद से कहता है कि आई कैन डू इट। दोस्तों ये मौका शिंजो के लिए बहुत बड़ा मौका था, इसलिए वो खुद से कोई भी गलती नहीं करना चाहता था। अब अंदर आकर शिंजो आगे बढ़ने लगता है, मगर उसे देखकर वहाँ मौजूद सभी लोग आपस में ये बातें कर रहे होते हैं कि आखिर ये लड़का कौन है और क्या ये अंधा तो नहीं है। पर शिंजो आगे बढ़ते हुए माइक को अपने हाथों में लेकर अपना सॉन्ग गुनगुनाने लगता है। वही दूसरी तरफ हम ह्यून और यूरी को बाहर एक साथ बैठे हुए देखते हैं। दोस्तों यहाँ यूरी उससे कह रही थी कि ह्यून अभी भी काफी अच्छा पियानो प्ले कर लेता है, जिसके बाद ह्यून उसे बताता है कि हाँ उसे पता है क्योंकि इसको सीखने में उसने अपना काफी टाइम लगा दिया था। यूरी उससे आगे कहती है कि तुम चाहो तो इससे तुम काफी अच्छे पैसे भी कमा सकते हो, क्योंकि आज के वक्त में पियानो प्ले करने वाले लोगों की बहुत डिमांड है। ह्यून उसकी बातों को सुनने के बाद उससे पूछता है कि आखिर वो लड़का कौन था जो सनग्लासेस पहनकर गाने गा रहा था, जिसके जवाब में यूरी उसे बताती है कि उसका नाम शिंजो है जो यहाँ पर रेगुलर गाने गाता रहता है। वो आगे कहती है कि वो उसे काफी टाइम से जानती है पर अभी भी वो बहुत ही ज्यादा मजाकिया और मिस्ट्री किस्म का बंदा है। दोस्तों ये दोनों अभी बातें कर ही रहे थे कि तभी वहाँ शिंजो भी आ जाता है, जिसको देखने के बाद यूरी ह्यून को बताती है कि इनका नाम शिंजो जुंगली है जो हमारे इस वेडिंग हॉल का प्राइड है। वो शिंजो को ह्यून से मिलवाती हुई कहती है कि इससे मिलो, ये ह्यून है जो पियानो प्ले करता है और आज यहाँ एज ए सब्स्टिट्यूट आया है। जिसके बाद हम देखते हैं कि शिंजो अपने ग्लासेस को उतार कर ह्यून की तरफ देखने लगता है और ह्यून भी उसे देखने लगता है और उसके बाद उसको खुद का इंट्रोडक्शन देने के बाद उसकी तरफ अपना हाथ आगे बढ़ाता है और कहता है कि अब से वो उसी के साथ काम करेगा। दोस्तों यहाँ शिंजो उससे कहता है कि ह्यून तुमसे मिलकर मुझे बहुत अच्छा लगा, पर वो उससे अपना हाथ नहीं मिलाता है, जिसके बाद ह्यून उसकी थोड़ी तारीफ करते हुए उससे कहता है कि उसे उसकी सिंगिंग काफी पसंद आई। इतना ही नहीं बल्कि वो उससे आगे कहता है कि वो बिना शेड्स के ही अच्छा लगता है। पर यहाँ यूरी ह्यून को बताती है कि असल में शिंजो बहुत इंट्रोवर्ट है। वो ह्यून से पूछते हैं कि क्या वो सच में उसके साथ काम करेगा, जिसके जवाब में उससे कहता है कि यस ऑफ कोर्स, और आगे उन दोनों को बताता है कि ऐसे में तो अब हम तीनों एक फैमिली जैसे हैं, तो आखिर क्यों ना इस खास मौके पर वो तीनों एक साथ कहीं खाना खाने चले। पर शिंजो यहाँ उन दोनों को बताता है कि उसे एक अर्जेंट काम है, इसलिए उसे जाना पड़ेगा। इतना कहने के बाद वो वहाँ से चला जाता है। दोस्तों शिंजो को जाते देख कर ह्यून को बहुत ज्यादा बुरा लगता है। वो यूरी को बताता है कि आखिर ये अपने आप को समझता क्या है, जिसके जवाब में यूरी उसे बताती है कि वो एक सख्त लौंडा है जो चाह कर भी नहीं पिघल सकता है। वो आगे कहते हैं कि क्या तुम जानते हो हम सबके साथ भी उसने कभी खाना नहीं खाया है, जिसके बाद ह्यून उससे कहता है कि तुम फिक्र मत करो, मैं उसको रेस्टोरेंट में लेकर आता हूँ, तुम वही रहना। उसके बाद वो शिंजो को लेने निकल पड़ता है। नेक्स्ट सीन में हम शिंजो को लिफ्ट का वेट करते हुए देखते हैं, जहाँ ह्यून आकर उससे कहता है कि शिंजो तुम कहाँ जा रहे हो, प्लीज हमारे साथ चलो, और वैसे भी मुझे नहीं लगता है कि आज तुम्हारी कोई मीटिंग या फिर कोई अपॉइंटमेंट होगा। पर शिंजो उसे सॉरी बोलकर वहाँ से जाने लगता है, मगर तभी ह्यून उसे रोक कर उससे कहता है कि चलो फिर मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ। उसके ऐसा कहने पर शिंजो भी मान जाता है, जिसके बाद ह्यून उससे पूछता है क्या वो कभी किसी के गेट टुगेदर में नहीं गया है। शिंजो कहता है कि नहीं मैं नहीं गया। अब ह्यून फाइनली उससे कहता है अगर तुमने मुझे अपने 10 मिनट दे दिए तो मैं तुम्हें एक इंट्रोवर्ट से एक वेल स्पोकन पर्सन बना दूंगा। अब आगे हम देखते हैं कि ये सभी एक साथ रेस्टोरेंट में मजे कर रहे हैं। यहाँ ह्यून अपने बाकी साथियों को बताता है कि आज उनके साथ एक नया मेंबर यहाँ मौजूद है जो बाय प्रोफेशन एक बहुत अच्छा सिंगर है। वो आगे कहता है कि शिंजो हमें ज्वाइन करने के लिए तुम्हारा शुक्रिया, क्या तुम आगे भी हमारे साथ ऐसे ही जुड़े रह सकते हो। ह्यून के बाद यूरी भी शिंजो से कहती है
कि हम काफी वक्त से एक साथ काम करते हैं, बट हमने कभी भी एक साथ बैठकर डिनर नहीं किया। जिसके जवाब में शिंजो भी कहता है, मन तो मेरा भी तुम लोगों की ही तरह मजे करने का करता है, पर मैं ऐसा नहीं कर पाता। लेकिन तभी ह्यून उससे एक सवाल पूछता है, आखिर वो हमेशा इस सनग्लासेस को क्यों पहने रखता है जबकि वो खुद ही इतना स्मार्ट है। शिंजो उसे बताता है कि वो इसको सिर्फ इसलिए पहनता है क्योंकि वो लोगों से नजर मिलाने में डरता है। इतना कहते ही शिंजो अपने पास्ट में चला जाता है, जहां हम देखते हैं कि एक लड़का उससे कह रहा है कि आखिर तुम इतने अलग कैसे हो सकते हो, क्या तुम्हें खुद के ऊपर कभी शर्म नहीं आई। इतने में एक दूसरा लड़का शिंजो को चिढ़ाने के लिए उससे कहता है कि तुम मर्द के नाम पर एक कलंक हो, इसलिए तुम्हारा दोस्त तुम्हें छोड़कर चला गया। अब स्टोरी एक बार फिर अपने प्रेजेंट में आती है। यहाँ ह्यून उससे कह रहा होता है कि क्या वो ठीक है, जिसके जवाब में शिंजो उससे कहता है कि हाँ मैं ठीक हूँ। इसके बाद वो सीधा बाथरूम की ओर भागता है और तभी ह्यून अपने बाकी साथियों से कहता है कि उसने उसे कुछ गलत तो नहीं कह दिया, जिससे हर्ट होकर वो यहाँ से चला गया। उसके सारे दोस्त ह्यून से कहते हैं कि नहीं, तुमने ऐसा कुछ भी नहीं कहा। अब आगे हम देखते हैं कि शिंजो बाथरूम के अंदर है, वहीं दूसरी तरफ उसकी मेडिसिन उसके घर पर रह गई है। दोस्तों शिंजो बाथरूम से बाहर निकलते ही ड्रिंक की बोतलें खत्म करने लगता है। उसको अचानक इतना ज्यादा परेशान देखकर ह्यून उससे एक बार फिर पूछता है कि क्या वो ठीक है, मगर शिंजो उसकी बातों को इग्नोर कर ड्रिंक करने में लग जाता है। इसके इस बिहेवियर से परेशान होकर ह्यून को उसके ऊपर बहुत गुस्सा आता है और वो उसके ड्रिंक की ग्लास को लेकर नीचे फेंक देता है, जिसके बाद शिंजो उसकी तरफ हैरानी से देखने लगता है और ह्यून भी उसे ठीक वैसे ही देखने लगता है। और कुछ यूं ये एपिसोड यही खत्म होता है। दोस्तों अब आगे क्या होगा, क्या शिंजो और ह्यून के बीच लड़ाई होगी या फिर ये दोनों एक अच्छे दोस्त बन जाएंगे, इन सभी सवालों के जवाब अब आपको इसके नेक्स्ट पार्ट में मिलेगा। दोस्तों क्या आप इसका नेक्स्ट पार्ट देखना चाहते हो, अगर हाँ तो मुझे कमेंट करके जरूर बताना। और अगर आपको ये एपिसोड पसंद आया हो तो इस वीडियो पर लाइक शेयर और कमेंट जरूर करना, और हाँ चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। मैं आपसे इसके नेक्स्ट पार्ट में मिलूंगी, तब तक के लिए बाय बाय।